सॉरी ये तो कराची शहर है। वो क्या ना कि हर इंडियन फिल्म के स्टार्ट के शॉट में एक ऐसा ही डायलॉग होता है, ये उधर की फिल्मों ने इधर के कितने लड़के खराब कर दिए कभी किसी ने हिसाब भी नहीं लगाया होगा। अंडरवर्ल्ड की कहानी मनचलों की कहानी है, जो अंडरवर्ल्ड की तेज धार जिंदगी में अपना नाम बनाने का शौक रखते हैं। आइए मिलवाते हैं हम आपको पहले मनचले से। ये है जान मोहम्मद, एक सीधा साधा देहाती लड़का। जान मोहम्मद जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना है। एक दिन अबू तेरे साथ काम करेगा, अखा कराची को कंट्रोल करने का। क्या अबू तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, तुम्हारे को नहीं मालूम, अपन को मालूम है। लेकिन अपन को मारने के लिए दम चाहिए होता है क्या? बाबा ये देख, तेरे लिए स्कॉच ला रहा हूँ। तेरी हराम की कमाई का हमें कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए सब। ये लेके जाने के लिए नहीं ला रहा हूँ मैं, नहीं मांगता ना तो बाहर। ये देख असली असली 50 तोला, 50 तोला, कितना? 50 तोला। मुंबई का किंग कौन? बिकू मात्रे। अक्का कराची का किंग कौन? जान मोहम्मद। जॉनी सलावी, जॉनी बर्बादी, जॉनी अजाबी, जॉनी जॉनी तूफानी। और इस तरह जान मोहम्मद को अपने लिए एक फिल्म इनाम मिल ही गया। तूफानी राज किया किसने? अपुन ने। कौन? जॉनी तूफानी। फिर जॉनी तूफानी को ये अंदाजा हुआ कि उसकी शक्ल किसी गैंगस्टर से कम बल्कि किसी किसान से ज्यादा मिलती है। आखिरकार जॉनी ने कराची जाने का फैसला कर ही लिया और आंखों में गैंगस्टर बनने का सुहाना ख्वाब सजाए कराची की तरफ रवाना हुआ। ये है खाला खैरन उर्फ के दिल्लू भाई की मालिक मकान। ने फूटता क्यों नहीं है मुझे है? पैसे देने का वादा किया था ना, बोल बोला था ना इस हफ्ते तू पैसे देगा, तो क्यों कहां गए पैसे मेरे? अब क्या हुआ, तुम्हारा जेब कट गई या किसी ने तुम्हारा माल खा लिया? दादा तेरा 4 मरतबा मरा, ने नाना तेरा 5 मरतबा मरा, मामू को तूने 2.5 दिन मार दिया। ए दिलू भाई, ये मामू 2.5 दिन में कैसे मर गया? वो आधे दिन की इमरजेंसी थी, उसको जिंदा करना पड़ गया था। ऐसे बोलो खाला खैरन, अब पहले आपको कभी हम लोगों ने शिकायत का मौका दिया, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। नहीं, शिकायत का मौका पहले कब दिए तूने पैसे, जो अब बोल रहा है शिकायत का मौका? इस जुमेरात को हम लोग पक्का आपके पैसे दे देंगे। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, इस जुमेरात तक मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला ना, तो जरखान को बुला के सारा 3 डब्बा बाहर फेंकवा दूंगी और इस निक्के को भी बाहर फेंकवा दूंगी। भाई मेरे को नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं। हां सोने से पहले ना तकिए के नीचे जुमेरात लिख के रख लेना। हरियाले बनने बाबा के घोरे मत जइयो।
और निक्के को भी खिलाना, भूखा रह रहे थे ना, मानुष हो गई शक्ल है तुम लोगों की। इधर आ, तुझे पैकेट मंगाया था ना, इधर आ। अभी देख रही घूमी है मेरे घर। जी हाँ, यही है दिल्लू भाई, जॉनी के दूर दराज के रिश्तेदार, जिन्होंने जॉनी की शक्ल तकरीबन 7 साल से नहीं देखी, मगर जब देखी तो ये कहाँ से आ गया? जीना! मतलब होता है रोखड़ा देके कहीं रहने का। तूने आज तक मेरे को एक पैसा नहीं दिया साला, 3 महीना हो गया। तेरा सामान उठा के भी बाहर फेंकू? तेरे को सुलाता मैं हूँ, तेरे को खिलाता मैं हूँ, तेरे को दरवाजा खोल लूँ मैं। दिलू भाई जा, देख लेना, इधर से जाना, जल्दी जा। जॉनी आखिरकार अपने चहेते दिल्लू भाई के घर पहुंच ही गया। चंद लम्हों में जॉनी का गैंगस्टर बनने का ख्वाब पूरा होने ही वाला था कि ए वो यहाँ नहीं रहता। ये जिना है, ये खुद को राइटर कहते हैं, कहते हैं 20 फिल्में महफूज हैं। अब कहाँ महफूज हैं ये नहीं पता। कौन यहाँ नहीं रहता? जिसका तू पूछने वाला है। मैं किसका पूछने वाला हूँ? दिल्लू का। तुझे कैसे पता? उसने तो ये बताया था। किसने ये बताया था? दिल्लू ने। तो दिल्लू का है? वो तो अंदर है। अबे तो तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? ए, हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा, चल हट। ए, नहीं जाने दूंगा तेरे को मैं। आवाज आ रही है? आ जाते हैं, पता नहीं क्या चल चल यार। ए, तू अंदर कैसे आ गया? ए, बासुर बासुर। अरे, हाय। मेरा भाईवान। लेकिन भाई अभी तो सिर्फ 4 बजे। तू यहाँ से जा, तेरे लिए क्या कुछ नहीं है, यहाँ तो सब खत्म होने वाला है, मैं भी मर रहा हूँ, जा तू। मेरा दिल कैसे भाई, कैसे ये पूरा धंधा अपुन अकेले संभालेगा? भाई थोड़ा ट्रेनिंग तो देके जाने का ना अपुन को, कैसे करूंगा ये सब कुछ।
ओ गांव में तूने अपना बहुत पोस्टर चिपकाया यार। हाँ भाई, अपना बहुत बड़ा नाम है तेरा। हाँ भाई, भरा में चर्चा है पूरे गांव में आपका। आप बहुत हिट हो वहाँ पे। पता है अपन ने जो पोस्टर बनाया है ना, उसके नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है? कराची का सबसे बड़ा भाई दिल्लू भाई। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तू कौन से धंधे की बात कर रहा है? अरे भाई, धंधा अपना धंधा। कौन सा धंधा? अरे भाई, अंडरवर्ल्ड का धंधा। अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड का धंधा अपना अंडरवर्ल्ड। ए डरफुटिया, तू कौन? मेरा नाम जिना है, मैं फिल्में लिखता हूँ, 20 फिल्में लिखी है जो यहाँ पे महफूज है। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी ये जो भाई का धंधा है ना, इसको 10 से जरब देने का बोले तो मल्टीप्लाई। दिलू भाई, इस तरह तो जो हम चाय पापे खाते हैं ना, वो भी नहीं रहेंगे। अबे क्यों इज्जत का फालूदा बना रहे? ए भाई, कराची का इतना बड़ा भाई होके आप चाय पापे खाते हो? नहीं नहीं नहीं, वो क्या ना कि अपन लोग चाय सोने को बोलते हैं, सोने को गोल्ड, और पापे बोलते हैं अपन पैसों को, तो चाय पापे सोना पैसा सोना पैसा। अभी अपन समझ गया लाए। तो भाई, अभी तो तुम कराची में बहुत सारे नोट पीट रहे हो, सोचो जरा अपन को आने के बाद ये धंधा किधर को जाएगा? इधर। हाँ वो तो अंदाजा है किधर को जाए। तू गांव से आया थी दूर से धंधा करने, ये बता तूने कुछ सोचा तो होगा ना? हाँ भाई, सोचा ना, क्यों नहीं सोचा? अपन ने सोचा है। क्या सोचा है भाई? धंधा करेंगे ना, पैसा बनाएंगे अपन लोग। अपन इतना दूर से यहाँ इधर कराची आया, पिस्ता नोट बना के लेके जाएगा ना। लो पैसा बनाएगा, एक हफ्ते से शेव तो बनाई नहीं है इसने, पैसा बनाएगा। एक बात बता, अपन लोग धंधा करेंगे कैसे? अरे भाई, अब अपन लोग बनाएंगे एक कंपनी, और उस कंपनी का नाम होगा भाई लोग कंपनी। नहीं, भाई लोग तो बॉर्डर के उस पार होते हैं ना, इधर इच अपन लोग बनाएंगे कजन लोग कंपनी, और उस कंपनी को चलाएगा ये जान मोहम्मद उर्फ जॉनी तूफानी। भाई नाम कैसा अपन का? अच्छा है, अच्छा तेरे पे शूट कर रहे हैं। और भाई पता है क्या, प्लान अपन बना के देगा तुमको, लेकिन भाई भाई अपन को एक चांस देने का, भाई अपन को भाई बनने का बहुत शौक है। हाँ तो ठीक है ना, अपन इसको गैंग में शामिल कर लेते हैं। हाँ, अपने गैंग में रहेगा तो जो कुछ हमारे साथ होता है वो इसके साथ भी होएगा। तो बस फिर ठीक है, अब अखा कराची में सिर्फ एक ही नाम होगा, जॉनी तूफानी। चाचा अभी मैं पैसे देता हूँ उसका। हाँ वही तो छिछोरेपन पे आ गया, इसको कौन समझावे? केले के पैसे। ए तू जानता नहीं है अपन किसके साथ है? किसके साथ है? दिल्लू भाई के साथ, समझा? आइंदा अपन से पैसे मांगे ना तो। पागल है, गांव से आया है, बुरा नहीं माना। ए 2 रुपए बचे ना, देखता क्या? भाई ये क्या कर रहा है भाई? तो इज्जत का फालूदा निकाल देगा इलाके में बॉस। हम लोग करते हैं। देख अभी मसला क्या है ना,
डकैती। हाँ डकैती, इससे ज्यादा आसान काम है ही नहीं। क्यों दुल्लू भाई? पर जोनी, एक मेरी बात सुन। तूने अभी इंडियन फिल्में तो देखी होंगी ना? हाँ, 5-6 से देखी है। ठीक है, अभी अपन को ये बता, तूने कांटे फिल्म देखी है? हाँ, 200-300 बार वो भी देखी है। अच्छा, अब अपन को ये बता कि उसमें डकैती मारने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए थी? हाँ, अमिताभ बच्चन। वो नहीं होता तो डकैती नहीं होती ना। सही बोला। चाहिए चाला। यानी मारा कर या भाई, आप ही बताओ ना। एक बैंक की, बैंक। हाँ, बैंक की जरूरत। अरे नहीं रे, एक छत की। ऐसी छत भाई, अमिताभ बच्चन को फिल्म कांटे में डकैती मारने के लिए ऐसी छत की जरूरत पड़ी थी। अरे यहीं से तो खड़े होकर सारी प्लानिंग की थी उसने। अरे बाप, यहां से तो अपन को बहुत सारा बैंक नजर आने लगा बाप। अरे वो गली के नुक्कड़ पर एक बैंक, अरे वो सुनार की दुकान भाई, मजा आ गया सोना। अबे नहीं, यहां नहीं लूट सकते अपन। इलाके का इतना बड़ा भाई होके अपने इलाके में डकैती मारने से डर रहे हो भाई? नहीं नहीं, डरता कौन है बे, डरता थोड़ी हूं। तो फिर लूट लिए ना, लूट लिए सारे बैंक, लूट लिए ये सुनार की दुकान भी, वो बैंक भी, वो बैंक भी, सब लूट लिया। क्यों जी ना, लूट लिया ना, सब लूट लिया, सब लूट लिया। और हाँ, वो बात क्या ना कि अपने धंधे में ना जरा रूल भी देखना पड़ता है। धंधे का भी कुछ उसूल होता है, समझ गया अपन, समझ गया लाए भाई। तभी तो अपन गए, इतना सारा नोट पीट लाए तुम। हाँ चलो कोई बात नहीं, अक्का शहर में बहुत सारा बैंक है, वो लूट लेंगे। अब अक्का कराची में अपन लोग का नाम होगा कजन लोक कंपनी, PVT LTD बोले तो प्राइवेट लिमिटेड। और फिर उसके बाद हर धंधे में कजन लोक कंपनी का ही नाम होगा। क्या भत्ता, क्या किडनैपिंग, क्या मर्डर, क्या सुपारी, हर जगह बस अपन लोग होंगे। बिल्लू भाई और जॉनी तूफाने।
हमारे गैंग में शामिल हो चुका है जानी। ये है लैला, मजनू की लैला नहीं, डॉन की लैला। एक डॉन की खास आदमी है, आदमी है या औरत ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। तुम लोग एजेंट्स हो? एजेंट्स? हम तो किसी एजेंट को नहीं जानते। अपन को तो 6 महीने हो गया, स्टेट एजेंट को भी देखे हुए। बकवास बंद करो, जो बात पूछी है उसका सीधा सीधा जवाब दो। मैडम यही सीधी सीधी बात है, हमें किसी एजेंट का नहीं पता। इस घर में हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक मैं और एक ये आज ही आया है, हम किसी को नहीं जानते। अच्छा तो आज शाम को बैंक लूटने की प्लानिंग कौन कर रहा था? देखा ना, फंसा दिया ना साले तूने, मैं तेरे को मना कर रहा था, ना सोची उल्टी सीधी बातें, ना बनाई उल्टे सीधे प्लान, फंसा दिया तूने। मैंने भी तू बात समझाया, समझता नहीं है बात। तूने कब समझाया? तू तो मेरे को समझा रहा था ना। इसका मतलब तुम लोग खुद अपने लिए काम करते हो। हम लोग क्या अपने लिए काम करेंगे मैडम, हम लोग तो उठ के पानी खुद से नहीं पीते। आज तो सिर्फ सोचा था, पहली दफा, और पहली दफा मैं ही फंस गया, इसकी वजह से। गुड, फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंक लूटने की प्लानिंग, बड़ा हौसला है। अब कहीं से तो स्टार्ट लेने का था ना। तुम लोग क्या समझते हो, घर से निकलोगे और आराम से बैंक लूट कर गाड़ी में बैठ के वापस आ जाओगे? नहीं, टैक्सी में। जॉन प्यारी नहीं क्या? क्या मतलब? वो चश्मे में दे देंगे। हमारे लिए काम करोगे? ये सब इतना आसान नहीं होता। पैसा चाहिए, असला चाहिए, और सबसे बढ़कर तुम लोगों की बैक पर किसी का हाथ। लेकिन लेकिन अपन लोग को ये सब कुछ देगा कौन? डॉन। कौन? 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 हाँ, डॉन। वो शाहरुख खान? नहीं, हमारा अपना डॉन है। अरे वाह, इनका अपना अलग डॉन है। ए दिलू भाई, कुछ सुना तुमने? इनका अपना अलग शाहरुख खान है। नहीं यू डफर, बकवास बंद करो और डॉन के बारे में सोच समझ कर बोलो, समझे? देखा दिलू भाई, ये होता है काम, अपने पीछे डॉन का हाथ होगा। डन है, अपन लोग डॉन के साथ काम करने को एकदम राजी। क्यों दिलू भाई? लेकिन काम क्या करना है? काम बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए चाहिए थोड़ी सी हिम्मत। अरे हिम्मत है ना, बिल्कुल है हिम्मत, क्यों दिल्लू भाई? लेकिन डॉन अपन से मिलेगा तो सही ना? नहीं, डॉन किसी से नहीं मिलता,
और उसके लिए काम करना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर तुम फेल हो गए तो वो तुम्हें मरवा देगा। क्या मरवा देगा? वो क्यों? अपन तो अक्खा जिंदगी गांव में फेल होता रहा, अपन को तो उधर किसी ने कुछ नहीं बोला। ये तुम्हारे गांव का स्कूल नहीं, कराची है, यहाँ कान और आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। और नाक का क्या करना पड़ता है? तुम लोगों को पहले ये साबित करना होगा कि तुम इस काबिल हो कि डॉन के लिए काम कर सको। मैडम एक सवाल फिर से करूं, माइंड तो नहीं करेंगे ना? हमें काम करना क्या है? हाँ, काम क्या करना आप लोग? हाँ, काम क्या करना है हमको? अरे पूछ तो लिया मैंने, तुम लोग बार बार क्या पूछ रहे हो? एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर रब्बानी। भाई अपन लोग कौन से ट्यूशन पढ़ना होगी। प्रोफेसर रब्बानी एक रिश्वतखोर प्रोफेसर है, बल्कि यूं कह लो कि टीचर के नाम पर एक थप्पा। कॉलेज फंड के नाम पर बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी रकम निकलवाता है और फिर उनके नालायक बच्चों को उस कॉलेज में एडमिशन देता है, जिसकी वजह से उन बच्चों का हक मारा जाता है जो पूरे साल मेहनत करके पास होते हैं। मैडम मैं तीसरी बार वही एक सवाल करूंगा, क्योंकि मेरा एक ही डायलॉग है, अपने को करना क्या है? किडनैप। हाँ, तुम लोगों को उसे किडनैप करना है। क्या हुआ, घबरा क्यों गए? नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं। करेंगे ना किडनैप, क्यों नहीं करेंगे किडनैप, क्यों भाई? अच्छा, प्रोफेसर रब्बानी रोज सुबह अपने घर से 7:30 बजे निकलता है। उसे कब, कहां और किस तरह रोकना है, ये तुम लोगों का काम है। असले का इंतजाम मैं करूंगी। जॉनी अभी भी सोच ले, तू जैसे ही आया ना मेरी जिंदगी में एक मिशन इम्पॉसिबल शुरू हो गया। अभी भी देख ले, बहुत पढ़ा लफड़ा है। बाय आर्य पार। ठीक है, हम लोग करते किडनैप। लगता है किसी ने हमारा रास्ता रोका है सर। सर इन लोगों के पास तो असला भी नजर आ रहा है। सर ये लोग तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। गाड़ी से मारो, मारो गाड़ी से। बाहर निकल। भाई क्या किया हमने? तुम्हें अभी बताते कि तुमने क्या किया है। भाई अब क्या करने गए? इनको ले चल। कहाँ लेके जा रहे हो हमें? कैसे लेके जाएंगे? इनको गाड़ी में बिठाओ, वापस बैठ गाड़ी में। अगर जनाब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, जब बिठाना ही था तो निकाला क्यों था आपने? मैं गाड़ी में बैठ गंजू, चल चल। बिठा बिठा भाई, बैठ बैठ गाड़ी में। जानते तुम हम लोग कौन है? देखने से तुझे आप भाई लोग लगते हैं। हाय,
हमला भाई लोग नहीं है, बहन लोग लगते होंगे। अबे तेरी साँस। अपुन लोग कजन लोग हैं रे, कजन लोग क्या लोग? हाँ अभी बता, एडमिशन देगा बच्चों को क्या नहीं देगा? लेकिन जी मैं ये काम नहीं कर सकता जी, आप क्यों मुझे फंसवाना चाहते हैं जी? गवर्नमेंट का आधार है जी, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। छोटे बच्चे हैं? और जो रिश्वत लेता है तू वो? मैं नहीं लेता जी, मैं नहीं लेता रिश्वत। कहता नहीं लेता, जॉनी मना कर रहा है। भाई ये डा ऐसे नहीं मानेगा, इसको जरा बड़े लेवल का टॉर्चर देने का। अब उनके पास एक हथियार है। हथियार है? हाँ निकालना, अभी तेरे को बताते हैं बड़े लेवल का टॉर्चर होता क्या साले। निकाल निकाल। ऐसा भी क्या हथियार है, किधर रख के भूल गए? भाई बस गया शायद। या कील। जॉनी कील। बस कील। मैं इसका क्या करूं? भाई अभी इसकी आंख इतना बड़ा करने का और उसकी पुतली में ऐसा नोक मारने का। गुड आइडिया, गुड आइडिया। देगर देगर दे सब पकड़ इसको। जी, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, सच्चाई बताना चाहता हूँ। दरअसल जी बात दरअसल ये है कि मैं ड्राइवर हूँ जी और वो प्रोफेसर है जी। अच्छा तो तू ड्राइवर है, वो प्रोफेसर है। अच्छा अच्छा तो ये दिल्लू है, मैं जॉनी हूँ। है ये चारपाई है? नहीं ये चारपाई नहीं है, ये तो फिर दीवार है। और ये चारपाई है? अबे तू साला क्या मेरे को येड़ा समझता है? ये बड़ा कमीना इंसान है जी। देखे एक दो चमाट दो तीन मुक्के तो मैं खा लेता हूँ जी, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी मार इसकी वजह से खाई है जी। दरअसल जी ये प्रोफेसर है जी, मैं ड्राइवर हूँ जी। तू जानता है कि हम लोग कौन है? ये सवाल तो जी आप लोग पहले भी पूछ चुके हैं। अबे तेरे से तो पहली बार पूछे ना। जो भाई पूछ रहे ले उसका सीधे सीधे जवाब दे। अजी वो आप लोग भाई लोग, भाई ए भाई लोग नहीं रे, कजन लोग, कजन लोग। कौन लोग? कजन लोग, कजन लोग। हाँ अभी सुबह होने तक बच्चों का एडमिशन करवाता क्या करूँ तेरे साथ जो अभी टॉर्चर उसको किया है? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सिर्फ बच्चों का एडमिशन नहीं कराना है, तू 5 साल तक उन बच्चों का फीस भी भरेगा। वो जी फीस जी फीस। हथियार दे मेरे को, हथियार दे। भाई अपुन के पास नहीं तुम्हारा जेब में। अच्छा नहीं नहीं मैं हथियार तेरे को दिखाता हूँ, एक मिनट। किधर गया हथियार? एक मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट तेरे को दिखाता। फीस भी भरूंगा जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे देख तो ले, हथियार दे, दिखा ले तेरे को मैं दिखाता हूँ ना, हथियार तो देख, हथियार। डर गया साला, समझा ना? लटक नहीं बिल्कुल हम लोग के साथ। हाँ तू कहाँ से आ गया? वहीं से जा, तुमने मुझे को छोड़ के भागे थे। नहीं मैं भागा थोड़ी था, मैं तो वो गलती हो गई थी थोड़ी। हाँ लेकिन क्यों क्यों आया तू वापस? तू हट, तू ही बोला था भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो। तेरे को अपुन को फॉलो करने का था ना कि अपुन को तोड़ के लड़ने के लिए इधर इधर नहीं तू बात कर रहा है। नहीं बात सुनो मेरी बात सुनो। नहीं तुम लोग लड़ो, नहीं मैडम मेरी बात सुनो मैडम। मैडम ए तू क्या देख, तू क्या मैडम है ना? काम का क्या हुआ? मैडम आपने अपुन को 24 घंटे दिए थे ना, अपुन ने 4 घंटे में काम फिनिश कर डाला, अभी 20 घंटे बाकी हैं, बोले तो क्या प्रोग्राम है? ए
आराम से। मैडम मैं ये कह रहा था ये दोनों नहीं मैडम, अभी सुबह होते ही एकदम जो है बच्चों का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगा, एडमिशन स्टार्ट, खुला छुट्टी, आपका काम डन, समझो पक्का एकदम फाइनल। ये क्या कह रहा है? ये तो कुछ नहीं कह रहा, ये तो बकवास करता रहता है, इसको बोलने को क्या था। अभी मैडम आप जाओ, टेंशन नहीं लो, काम हो गया आपको, और बोलो। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ठीक है जो सुबह होगा वो देख लिया जाएगा। मैडम आप जाओ, अभी आप जाओ आराम से। डेढ़ फुटिया अपुन की वायरिंग में प्लास नहीं डालने का क्या? ए इतना अच्छा डायलॉग मारा तूने, ये तो लिखने का है। हाँ हाँ लिखने का, जा लिख 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 जा, अभी जाने का। ये सब तुम्हारे लिए, तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम लोग डॉन के लिए काम कर सकते हो। अरे मैडम अपन ने तो पहले ही बोला था, लेकिन आप मान ही नहीं रही थी। मैडम ये इतना सारा पैसा, ये डॉन के अगले काम का एडवांस है क्या? नहीं, ये तुम्हारे पिछले काम का इनाम है। ओए वाह आई लव, इतना सारा पैसा। देखा भाई अपन ने बोला था ना कि अपन के इधर आते सारा धंधा डबल, बल्कि नहीं ट्रिपल। वैसे एक तेरे को बात बता रहे, मैं ना बचपन से समझता था कि तू मेरे लिए मंडूस है, नहीं जवान होते ही तो मेरे लिए गुंडलक साबित हो रहे। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। अपन सब डॉन मिलेगा तो सही ना? ना सिर्फ वो तुमसे मिलेगा बल्कि तुम लोग उसके लिए काम भी करोगे और वो तुम्हारी सपोर्ट करेगा। नहीं नहीं बाकी अपुन को अभी मिलने का डॉन से। इतनी जल्दी क्या है, बहुत एक्शन हो गया, अपना हुलिया दुरुस्त करो उसके बाद डॉन से मिलना। भाई सही बोल रही है, अपुन लोग तो अंदर बाहर सब जगह से गंदे हैं। अभी अपुन लोगों को पता है क्या करने का, जाके लशपत से कपड़े लेने का, स्मार्ट स्मार्ट बनने का, उसके बाद डॉन से मिलने का। लेकिन मैडम अपने को डॉन के लिए काम क्या करना होगा? ये डॉन खुद बताएगा। सही है, अब मैं चलती हूँ, डॉन से कहाँ मिलना है ये तुम्हें मैं फोन पे बताऊंगी। लेकिन मैडम हाथ नीचे, नो मोर स्टूपिड क्वेश्चंस। ये चीज अक्का कराची का दो बड़ा भाई दिल्लू भाई और जानी तूफा। ए बाय 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 बाय, हाँ ओवर हो गया, अभी चलने का शॉपिंग। भाई अपन को कच्चा लेने का। कच्चा क्या करेगा? कच्चा अपन को पहन लेगा, गर्मी बहुत लगती है भाई यहाँ पे। एक कच्चा ये कराची है, ये वो धोतियों वाला काम ही हो सकता था, समझा ना? अच्छे से कपड़े दिलाऊंगा, शर्ट वर्ट ठीक है, अच्छा सा स्मार्ट वार्ट बना के। अच्छा नहीं ये अच्छा है, इसमें से बदबू आ रही है, अभी दूसरे कपड़े पहनेंगे। भाई ये क्या होता है, डबला क्या है भाई? अरे ये सामान नहीं, वो दिखाना है यार, क्या दिखा रहा है इधर, रंगा बरंगी दिखाना अपना। और निकाल, ये भी निकाल, सब निकाल, दो चार और निकाल यार, तू खड़ा क्यों है, निकाल।
जल्दी निकालना, चार चार पांच पांच निकालना जल्दी जल्दी। ये लगाना बेकार, इस टाइप का चाहिए आपको। चुप कर जा, ये लगा नहीं, ये भी बेकार है। और दिखाना यार, कैमरे के ऊपर फेंकना है। ये ना आप पे नहीं होगा भाई, चलता लगा रहे इसको, हटा दे, आ जा आ जा। हां हो गया, ठीक है भाई, ऐसे भी देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ले 100। लैला है, डॉन से बात करो। काम हो गया डॉन, स्काई बिल्डर्स वाले हमारे पैसे देने के लिए तैयार हैं। भाई एक बात बताओ, ये अंधेरे में काला चश्मा क्यों पहना है? ये वो क्या है ना, अंदर वाले के जो लोग होते हैं ना, उनको काला चश्मा पहनना बहुत अच्छा लगता है। वो अपने को ना पसंद करेंगे इस तरह। चलो चलो, इंटेलिजेंट बॉय।
They are here, Don. तू डॉन का फैन, तू डॉन का फैन, आई लाइक इट। जानता है डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि डॉन को 111 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही है। 111? हाँ, लास्ट खबर यही थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फायर ब्रिगेड, एलडीए, केडीए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन वाले, केबल वाले, नवीद कंप्यूटर वाला। कमान भाई, क्या आदमी है ये। हेलो, तो तुम लोग
डॉन के साथ काम करना चाहते हैं। एक मिनट डॉन, एक मिनट, इससे पहले कि आपकी लंबी चौड़ी तकरीर शुरू हो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये ना, ये मेरा छोटा भाई है, इसको आपसे मिलने का बहुत शौक था। कहता था मैं शाहरुख खान से मिलना चाहता हूँ, अंडरवर्ल्ड में जाना चाहता था, बचपन से ही सारा ऐसा ही था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इन दोनों को रख लो, मैं चलता हूँ। ये तो बदमाशी है डॉन, तो साफ साफ नहीं डॉन, एक काम करूंगा आपके लिए, कौन काम नहीं करता, मैं करूंगा ना, मैं करूंगा। डॉन के साथ काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, करेज चाहिए, गट्स चाहिए, एक आग चाहिए। तुम लोगों के पास क्या है? पेन। इस पेन को तू जॉन भाई जेब में रख ले। तुम मैं भी यही कहने वाला था लैला, देयर आर अ बंच ऑफ इडियट्स, इन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। राजा, इनको ट्रेनिंग के लिए तैयार करो। सी यू टुमारो इन ट्रेनिंग।
डॉन बहुत खुश है, बहुत खुश है आज डॉन। खुशी से अंदर से खुशी फट रही है भाई। अभी ये खुशी अंदर और फटेगी जब तुम लोगों को पता चलेगा कि डॉन तुम्हें पहला असाइनमेंट दे रहा है। अरे वाह, डॉन का मतलब तो ये कि हम लोग ट्रेनिंग में पास हो गए। हाँ, लेकिन सिर्फ तुम दोनों, ये सवा पसली फेल। अच्छा हुआ लुका साला, मैं 3 महीने से इसके मुंह पे एक बात बोलना चाहता हूँ। बोला भाई, आज बोलूंगा लुका साला, लुका। सुनो, बाहर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी है। डॉन भाई, उसके पंचर बनाना है क्या? ए, लुका साला, बीच में नहीं बोलना डॉन के साथ, समझा? उस गाड़ी के पीछे डिक्की में क्या है ये नहीं देखना, वरना तुम दोनों की आंखें निकाल के मैं उससे पिंग पोंग खेलूंगा, समझे? डॉन साहब, अपन तो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है, क्यों दुल्लू भाई? ये साला पीछे देखता ही नहीं है, इसको मैं इतना बोलता हूँ पीछे देख, पीछे देख, ये साला आगे देखता रहता है। गुड, गाड़ी को कालिया भाई के गेट पे पहुंचाना है, और गाड़ी कहाँ पहुंचानी है ये मैप गाड़ी के अंदर मौजूद है। चलो अपन इसको भी ले चलते हैं। ये इधर रहेगा मेरे पास, कि अगर तुम दोनों ने कोई गड़बड़ की तो ये लुखा ऊपर। ऊपर किधर? ऊपर बेडरूम है क्या? जो बोला वो करना है। अच्छा रन, हम लोग चलते हैं बेटा, हम लोग चलते। लेकिन मैं इधर करूंगा क्या टोन भाई? अपन बताते हो तो अपनी देख में चमचा चला के कुर्चन निकालेगा। लुक साला, तू इधर मुझे एंटरटेन करेगा। मैं ऐसे कैसे एंटरटेन करूंगा? बताता हूँ, जाने दे इनको। चलेगा भाई, चला चलती है। डॉन भाई, ये एग्जिट का रास्ता किधर है? एग्जिट कर लिया, नजर आ गया डॉन, अपने को दिखिया, दिखिया अपने को, टेंशन नहीं। अब क्लास तो दिलू भाई, मेरे को तो ले जाओ ना। लुक का साया, लुक का। बैठ इधर, बैठ। काम कैसे एंटरटेन करेगा? डॉन भाई, मेरे को फिल्म की स्टोरी आती है, वो सुनाओ। सुना। डॉन भाई, एक डॉन होता है। कौन सा? पुराने वाला या नया वाला? नहीं, इसमें तो शाहरुख खान है। अरे वाह, आप हैं आप? शाबाश। सुना, वो एक डॉन होता है। डॉन को 111 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही होती है, वो पेरिस में जाता है, उसको 3 बच्चे होते हैं। तीन बच्चे डॉन को होते हैं। गुड, साइंस है,
कभी भी तरक्की कर सकती है। चल अभी इसको चलाएगा कौन अभी? भाई अपन को तो चलानी नहीं आती है, अपने तो कभी गधा गाड़ी भी नहीं चलाई। क्या गाड़ी है, अपन तो फिल्म में देखता था। देखा कराची आती साला तेरा तेरा स्टैंडर्ड की तरह चल रही है। अपनी जगह से उतर यार। जॉनी ये काम तो बड़ी आसानी से हो गया। नहीं बाय बाय, अभी जरा सोचो, डॉन भाई ने अपन को फर्स्ट टाइम कोई काम दिया लाए तो उसको सही से करने का है। क्या मतलब? अभी गार्ड भाई को बुलाते हैं और डॉन भाई का सामान चेक करवाते हैं, फिर अपन चलते हैं। नहीं नहीं देख जॉनी, अपने को डॉन भाई ने बोला ये गाड़ी कालिया भाई के घर तक पहुंचानी और अपन लोगों ने पहुंचा दिया, पहुंचा दिया। अब चल 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 बाय। अबे चल बाय चलो बाय। ए गार्ड भाई, ए हीरो, अबे तेरे से बोल रहा हूं जरा। क्या वो डॉन भाई ने ना कालिया भाई के लिए गाड़ी भिजवाई लाए तो? ए, नहीं वो तो कोई मसला नहीं है, वो गाड़ी का पीछू डिग्गी में कोई सामान पड़ा लाए, डॉन ने अपन को मना किया था, अपू ने नहीं देखा, अभी तुम चेक कर लो ना। चल 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 खोल, चल डिग्गी खोल, डिग्गी खोल, खोल डिग्गी। अपू से नहीं खुल रही, तू खोल आगे से, खोल जाके। देखो अभी अभी अपन कुछ नहीं देख रहे, अभी तू चेक कर ले। लाश? हाँ लाश लाश। ए भाई 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 अभी अपने को कुछ नहीं मालूम है, ये रहा यहाँ कैसे पड़े लाए, अपन चलता है। ए किधर जा रहे तू, ठहर जा। शरीफ फरान अकबर, इसने कालिया भाई के भाई को मारा है। ए पलक, अपने गुदगुदी हो रही है, लाला लटाओ ना। ए सीधा खड़ा हो, मार दिया हम लोगों ने कालिया भाई के भाई को, और तेरे भाई को भी मार दूंगा, और तेरे भाई को भी, और तेरे भाई को भी। मेरा तो कोई भाई नहीं है। अच्छा तेरे कजन को मार दूंगा, गन नीचे कर, नीचे 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 नीचे। हाँ शाबाश, बता देना कालिया भाई को कि उसके भाई की लाश हम लोग साथ ले जा रहे हैं। अपने को नहीं मालूम भाई, हम लोग साथ लेके जा रहे हैं, जो कर सकता कर ले, हम लोग डॉन के लोग हैं। हाँ डॉन के लोग, हट, कोशिश भी नहीं करना। चल नहीं भाई भाई एक मिनट, अपने को आप उनके पास भी है गन। बहुत शान बंदी कर रहा था ना। भाई ये भाई, अरे भाई भाई भाई, अरे
वाह भाई वाह वाह वाह, क्या एक्शन दिखाया आपने वहां पे। टिच गया टिच गया टिच गया, सबको डरा दिया है एकदम। बोलो तो सबकी फॉर। सॉरी भाई, मजा डाली मतलब। ए भाई, ये देखने में तो अपुन को कोई बहुत ही सीधा साधा आदमी लग रहा है। अपुन को नहीं लगता है कालिया भाई का भाई होगा। पता नहीं इस साले को किस लफड़े में टपका दिया किसी ने। अरे छोड़ो ना भाई, अपने को क्या है। वो याद है अमजद खान ने अपनी फिल्म छोले में डायलॉग बोला था ना। छोले नहीं रे, शोले। इतना साला इंडियन फिल्म देखता है फिर भी गलत बोल रहे। ओ सॉरी भाई, भूल गया। क्या बोला था? के जो डर गया समझो मर गया। ये भी साला डर गया होगा, किसी ने टपका दिया इसको। किसी ने टपका दिया इसको। लेकिन जॉनी, इसके चक्कर में साला पूरा कराची हमारे पीछे पड़ा है। अरे बहुत बड़ा लफड़ा ले लिया हम लोग ने, अब ये पता करना क्या है भाई। अपुन तो कहता है कि नहीं भाई सॉरी, अपने पेट में जब तक खाना नहीं जाता ना, अपना दिमाग साला काम ही नहीं करता है। अपुन को कुछ ऑर्डर करने का, बताओ किसको करूं। कोई बहरा वहरा होगा ना। बहरा चुप कर, इधर बहरा नहीं होता, ये कराची है साला, इधर वेटर होता है। वेटर, दिमाग खराब कर दिया तूने। तेरे को जो भी खाना है ना, जा उसको बोल वो इंटरकॉम को, वो तुझे ला के देगा। और मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, ख्याल रखी। ए भाई, अपने को नंबर नहीं मालूम। ए 0020। अच्छा भाई, ए इंटरकॉम, जरा अपन का ऑर्डर तो लिखना। दो ब्रोस्ट, दो सैंडविचेस और हाँ चाय। एक चाय, दो चाय, तीन चाय और जो तेरा दिल चाहे, लेकिन अर्जेंट। हाँ समझा ना। कमरा नंबर 502 में भेज वारन। ओके
भाई लैला को तो साला लुक्का ले गया और लैला ही मिलेंगी तेरे को, बेफिक्र रहे। क्या हुआ भाई, क्या रखा था? हेलो डॉन, डॉन हम लोग अपने खेतों में, हम लोग खुश हैं, हम लोगों ने बहुत बड़ी फसल लगाई इधर, अपना काम ठीक चल रहा है। क्या फिल्म हिट हो गई है कराची में और काम आया है? ठीक है डॉन, हम लोग फॉरन आ रहे हैं, बस हम लोग आ रहे हैं कराची। ए डॉन कहता है फिल्म हिट हो गई है, कराची बुलाए, कहते और बनाएंगे, चल ना। चले चले करते रोल 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 अच्छा।
फिल्म अच्छी लगी? नहीं लगी तो दोबारा देख।